हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको दो वेरी कंसेप्चुअल ट्रिक देने जा रहा हूँ, जिससे आप कंपटीटिव एग्ज़ाम में आने वाले एक प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। क्योंकि ये कंसेप्ट तो है बहुत इजी, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो आपसे वो गलती ना हो, इसलिए ध्यान से समझो क्या करना है आपको। कभी भी जब आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना हो, तो वहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो जहाँ पे सेल आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है। तो अगर सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। क्योंकि आपको बता रखा हूँ, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड होता है, लोन वर्ड से राइट साइड में कैथोड होता है। तो एनोड पे मुझे मालूम है ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना उसका, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना। दोनों को ऐड कर देना, ई नॉट सेल आ जाएगा। तो ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप वो होता है जहाँ पे रिएक्शन आपको गिवन होती है, राइट। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि बच्चों की गलती यहाँ पे ज़्यादा होती है। रिएक्शन अगर गिवन हो, तो चूंकि ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते। ये नहीं कि एक रिएक्शन का गिवन है, दूसरी रिएक्शन का गिवन है, तीसरी रिएक्शन का पूछा है, उन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर रहे हैं तो आप इसको ऐड कर दो। नॉर्मल एडिशन को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि इस मार्कर का टेम्परेचर 25 है और इस मार्कर का टेम्परेचर 35 है, दोनों को अगर मैंने अटैच कर दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप टेम्परेचर 60 हो चुका, राइट, यू नो ऑलरेडी। तो जैसे टेम्परेचर एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही ई नॉट सेल भी जो है वो एडिटिव नहीं है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे सर, तो आपको डेल्टा जी नॉट से जाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हर रिएक्शन का डेल्टा जी हम निकाल लेंगे, और अगर रिएक्शन को ऐड करने से थर्ड रिएक्शन मिल रही है, तो डेल्टा जी नॉट भी ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, और क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं एप्लीकेशन में समझाऊँगा अभी। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एप्लीकेशन ई नॉट का, आपको ई नॉट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है कि जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगा, ध्यान दें विथ साइन हमें कंसिडर करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में, उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब क्या हो गया कि वो उस साइड जाना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है। तो अगर ये खुद रिड्यूस होगा, तो अदर को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, और जो अदर को ऑक्सीडाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो अच्छा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखो। एंड वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर मान लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता, राइट। और यू नो कि किसी भी सेल की रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, खुद से होने के लिए जरूरी क्या, ई नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या ई सेल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वैसे ही डेल्टा जी नॉट स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए या डेल्टा जी स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए। और यू नो अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, ऑक्सीडेशन निकालना हो, तो सिर्फ माइनस साइन को आपको लगा देना, या फिर ऑक्सीडेशन गिवन हो रिडक्शन निकालना, तो माइनस साइन सिर्फ लग जाएंगे, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब मैं इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कि यहाँ पे ई नॉट ऑफ पी वी प्लस टू टू पी वी आपको एम वोल्ट गिवेन है, पी वी प्लस फोर से पी वी एन वोल्ट गिवेन है। तो पी वी प्लस टू से पी वी प्लस फोर का कितना होगा, एम और एन के टर्म में एम माइनस एक्स एन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, ऐसे प्रॉब्लम को बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो ये टू से जीरो में जा रहा है, तो ये रिएक्शन को लिख देते हैं पी वी प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के पी वी में, राइट। और जैसे गिवन है तो ये एम वोल्ट गिवन आपको, ओके। उसके बाद प्लस फोर से ये जीरो में जा रहा है, तो ये लिख देते हैं पी वी प्लस फोर, फोर इलेक्ट्रॉन लेकर के पी वी में चला जाएगा, ये एन वोल्ट। और उसके बाद इसको निकालना किसका है, तो पी वी प्लस टू से पी वी प्लस फोर, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मान लेते हैं इसका कि जो भी है जेड वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं, राइट। नाउ उसके बाद वो क्या देखते हैं कि हमें पी वी प्लस टू किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट में, राइट। और पी वी प्लस फोर राइट साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं वो। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पी वी इज गिविंग यू पी वी प्लस फोर प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, और ये रिवर्स क्या है, तो माइनस में एन हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को ये ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पी वी से आपका पी वी कैंसल, पी वी प्लस टू गिव्स यू पी वी प्लस फोर, राइट। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन बच गया ये, तो
तो चूंकि उन्होंने, उनको लगता है कि चूंकि इन दोनों को ऐड किया है तो जेड की वैल्यू क्या लिख देते हैं, एम माइनस एन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो कर देंगे 1, और जिससे क्या हो जाएगा उसका गलत। क्यों गलत हुआ वो समझ ही नहीं पाते हैं। गलत इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ए नॉट सेल है, जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है या ईएमएफ है, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, तो बस ये ध्यान रखना है कि हमें डेल्टा जी से जाना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर हमने समझाया है, पहले ध्यान से समझो। अगर ये कोई एक रिएक्शन है, राइट, ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ई नॉट इसका सपोज करते हैं जेड वोल्ट है, और डेल्टा जी नॉट मान लेते हैं कि 2 जूल है, जस्ट सपोज करते हैं, राइट, समझाने के लिए, तो 2 जूल है। तो अगर सपोज करो कि मैं इस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ई नॉट वही रहेगा, ई नॉट में कोई चेंजेस नहीं आता, बट डेल्टा जी नॉट जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो मल्टीप्लाई जाएगा, इसलिए 4 जूल हो जाएगा, ये चेंजेज होता है। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूँ, रिवर्स करके लिख दिया, तो ई नॉट में माइनस साइन लग गया, पहले प्लस था तो माइनस, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, और डेल्टा जी नॉट में भी वही होता है। तो ये पॉइंट सिर्फ एक कॉमन है दोनों में, बाकी ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, बट डेल्टा जी नॉट में चेंजेज होगा। वैसे ही हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट एडिशन आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट एडिशन किस में अलाउड है, डेल्टा जी में। तो सर फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपने जैसे लिखा वैसे लिखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 से 0 में जो गिवन है वही लिखना, अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे गिवन है 2 से 0 गिवन है। अगर मान लो पीवी से पीवी प्लस 2 गिवन होता तो पीवी से पीवी प्लस 2 बनाते मैं, तो यहाँ पे 2 से 0 है तो कैसे बनाओगा, ध्यान से देखो, पीवी प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में गया है, पीवी में, इस रिएक्शन का वोल्टेज आपको एम वोल्ट गिवन है, राइट, इस रिएक्शन का आपको ये ई नॉट गिवन है। दूसरी जो रिएक्शन है वो 4 से 0 में, राइट, पीबी आपका प्लस 4 से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के पीवी में जा रहा है, और इस रिएक्शन का ई नॉट आपको गिवन है एन वोल्ट, राइट। हमें जो पूछा गया है वो पीबी प्लस 2 से प्लस 4, तो प्लस 2 से प्लस 4 कैसे बनेगा, पीबी प्लस 4 वाया गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आपको पूछा गया है, जिसको इस फॉर्म में उसने दिया है और x की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप कैसे करेंगे, देखो e नॉट है ये, मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा जी नॉट आप निकालो। डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, तो देखो सम में f आएंगे, क्योंकि यू नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नॉट। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन रहने वाली है, कौन, माइनस और f, तो सिर्फ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चेंजेज आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था तो डेल्टा जी नॉट मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2m, ध्यान दे ये क्या होगा 2m इंटू एफ, राइट, विथ माइनस साइन, तो माइनस और f सम में कॉमन रहेगा, इसलिए मैं उसको पहले निकाल ले रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2m। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4n, राइट, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मान लेता हूँ कि अगर जेड है, इसका जेड है, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा 2 times of z, बस ये ध्यान रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कंसेप्ट लगाओ कि अब मुझे कौन कौन चाहिए, पी वी प्लस 2 पी वी प्लस 4 चाहिए मैन रिएक्शन में, पी वी नहीं चाहिए, डैट मीन्स मुझे लेड को कैंसिल करना पड़ेगा, ये दोनों अगर डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये दोनों लेड एक ही साइड है, कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए एक को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि लेड प्लस 2 को लेफ्ट में रखना है, प्लस 4 को राइट में रखना है, तो प्लस 2 यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, तो इस रिएक्शन को आपको एज इट इज़ रखना है, और इस रिएक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है, तो जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4n, बात समझ रहे हो, और उसके बाद इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए ऐड, तो कितना आ गया, ध्यान से देखो 2z इज इक्वल टू 2m माइनस 4n, इसलिए अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m माइनस 2n, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये इस तरीके से आपको करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉपर प्लस 2 0 में जब जा रहा है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट,
कॉपर प्लस वन से जब जीरो में जा रहा है तो अगेन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.522 वोल्ट, तो प्लस टू से प्लस वन का कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है और ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखो एक तो जो अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करते होगे राइट, कि प्लस टू से जीरो में जा रहा है तो कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा और इस रिएक्शन का 0.34 वोल्ट है राइट। उसके बाद एक आपका कॉपर प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में जाएगा, इसका 0.522 वोल्ट है। हमसे पूछा जा रहा है कॉपर प्लस टू एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जब कॉपर प्लस वन में जाएगा तो इसका मान लेते हैं कि x वोल्ट है, तो यही हमें निकालना है राइट। तो जो अभी आपको एक अप्रोच बताया क्या करना है, यहाँ 2 दिख रहा है तो ये तो आपका E नॉट है, आपको डेल्टा G नॉट से जाना पड़ेगा। यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 इंटू 0.34 करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0.522 वोल्ट करना पड़ेगा और यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू एक्स करना पड़ेगा राइट। नाउ अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों रिएक्शन को कैसे अरेंज करूँगा कि मुझे ये थर्ड रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि इसका ही मुझे E नॉट निकालना है राइट। तो अब दिख रहा है कि मुझे इसमें कॉपर प्लस टू चाहिए लेफ्ट में, कॉपर प्लस टू यहाँ पे, कॉपर प्लस वन चाहिए मुझे राइट में जबकि ये लेफ्ट में, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर चाहिए भी नहीं, तो इसको उल्टा करूँगा तो क्या कर दूँगा माइनस, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दूँगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया। तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया आपका 2 इंटू 0.34 माइनस में 0.522। तो आप देख सकते हो 34 तक कितना हो जाएगा 68, तो ये क्या हो जाएगा 0.68 माइनस में 0.522। तो एक बात तो क्लियर है कि मेरा जो E नॉट है वो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए ये दो ऑप्शन मेरा क्या हो गया कैंसल, और 0.68 0.52 कितना हो गया 0.16 के आसपास, तो 0.16 कौन है आपका ये, क्योंकि ये 158 इज अप्रॉक्स 16 हो जाएगा राइट, एक कैरी करेंगे तो डायरेक्ट मेरा ऑप्शन ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, मैं चाहता हूँ आप इतना भी टाइम ना ले, आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे, प्लस टू से जीरो का ये है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो आप यहीं पे कर लें 2 इंटू 0.34, उसके बाद प्लस वन से जीरो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो आप यहीं पे कर लें 1 इंटू 0.522 राइट। अब आपको मालूम है कि मुझे कॉपर प्लस टू लेफ्ट में चाहिए और कॉपर प्लस वन राइट में, मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो इसलिए इसके साथ माइनस लगा देंगे और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0.68 माइनस 0.522 डैट इज 0.158 वोल्ट। तो जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और देखिए कि आपको इस टाइप से बहुत सारे रिएक्शन दे देगा राइट, और सबका E नॉट दे करके आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इजी है। एक तो तरीका यह है कि सबका E नॉट सेल निकाल करके चेक करें किसका E नॉट ग्रेटर देन जीरो है, तो वो रिएक्शन फिजिबल होंगी, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको बोल रहा है कि कितने मेटल हैं इसमें, टोटल 4 मेटल आपको दिया है, इनमें से कितने ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे नाइट्रेट आयन से। तो देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है समझो, नाइट्रेट आयन अगर उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अदर को ऑक्सीडाइज करें और इटसेल्फ रिड्यूस होना है, तो इटसेल्फ अगर रिड्यूस होना है तो सिंपल सी बात क्या हो गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन अदर मेटल। अगर नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सिंपल। तो आपको बस इसमें ये चेक कर लेना है कि कितना ऐसा केस है जहाँ पे नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल से ज़्यादा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ही गिवन है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.97 वोल्ट, ये भी रिडक्शन गिवन है तो इसको चेक करना है, तो 0.97 इज ग्रेटर देन 1.19, वो भी माइनस में, तो डेफिनेटली बहुत ग्रेटर है, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे राइट। ध्यान से देखो वैसे ही यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है राइट, और E नॉट माइनस में 0.04 है, तो अगेन 0.97 इससे ग्रेटर है, तो ये भी आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है राइट, ये 0.80 है और 0.80 से ज़्यादा है ये, तो ये भी हो जाएगा।
उसके बाद कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। ध्यान से देखो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। कैसे? जीरो से थ्री में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन हमें सबका क्या कर रखना है, या तो रिडक्शन रखना पड़ेगा या ऑक्सीडेशन। अभी हमने सबका रिडक्शन से बात किया है तो हमें रिडक्शन रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करेंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो 1.40 जो है वो ग्रेटर हो गया इससे, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थ्री मेटल ऐसी हैं जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो देखो, कंसेप्ट को समझो कि आपको जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। मुझे पूछा जा रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज करें, मतलब नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। तो नाइट्रेट आयन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अदर मेटल से ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको M प्लस 3 से M प्लस 2, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 से 2, राइट? मतलब ये रिडक्शन आपको गिवन है। ये सब चीज़ आपको केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है एग्जाम में, क्वेश्चन में। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है सबका, राइट? आपको गिवन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मेटल आयन्स होंगे जो लिबरेट करेंगे H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इस वर्ड को भी पकड़ना है, H2 हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एसिड बोले तो एक तरह से H+ हो गया, H+ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब जाकर के आपको H2 मिलेगा। तो डैट मीन्स ये क्या, कौन से रिएक्शन हो गए? रिडक्शन रिएक्शन हो गए, राइट? डैट मीन्स यू नो E नॉट ऑफ H+ से H2, ये बाय डिफॉल्ट कितना हम लोग लेते हैं? 0 वोल्ट, राइट? तो इसका मतलब रिडक्शन होना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा कौन? तो ये मेटल देंगे। आपको जो गिवन है वो रिडक्शन गिवन है, इस कंडीशन में नहीं देगा। जब M+2 M+3 में कन्वर्ट होगा तब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट? M+2 जब आपका M+3 में कन्वर्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन। तो डैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे, और सबका क्या गिवन है? रिडक्शन। तो क्या करूँगा मैं? सबका साइन को चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, राइट? अब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर हो जाता अगर इसके, जो कि अभी बाय द वे 0 वोल्ट है, तो ये रिएक्शन हो जाएंगी, राइट? तो इस क्वेश्चन को कहने का उसका क्या मतलब है कि अगर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन मिल रहा है तो डैट मीन्स H+ H2 में जा रहा है, तो आपका वो सारा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज़्यादा होगा वो इस रिएक्शन को इजिली करवा लेगा। तो अब देख लो किस किस का ज़्यादा है, तो ये वाले हैं प्लस हो गए अब ये, और ये वाले हैं, राइट? तो इसलिए कौन कौन हो गया? Vanadium+2 एंड Chromium+2 कहाँ है? ऑप्शन सी में। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको इस टाइप से आपको दे देगा कि E0 of M+M, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे प्लस से जीरो में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल 4 मेटल का आपको गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमने क्या बताया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग मतलब अदर को क्या करना है? ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ क्या होगा? इटसेल्फ क्या होगा बताओ? रिड्यूस। तो इटसेल्फ रिड्यूस कब होगा? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही बाय डिफॉल्ट गिवन है। तो किसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? ये माइनस में है, ये प्लस में 0.6 है, ये 0.85 है, ये तो माइनस में है, तो ओनली कौन हो जाएगा? सी वाले। तो ऑप्शन एफ का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग यहीं पर रिड्यूसिंग पूछता, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, राइट? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो ऑक्सीडाइज हो तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? कि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको फिर क्या करना पड़ता? यहाँ पे सबका रिडक्शन गिवन है, ऑक्सीडेशन करने के लिए सब माइनस को प्लस कर देते, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है? ये। तो फिर ऑप्शन आपका क्या रहता? ए। डैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, विद साइन कंसीडर करना है। अगर सारे का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये पॉइंट ध्यान देना। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका गिवन है तब चेक करना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो, आपको ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन है तो आपको मालूम है सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मैं सबका निकाल सकता हूँ, राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मुझे चेक करना होगा तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब अदर को ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन होगा, जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो बस एक पॉइंट ध्यान में रखो, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कि ऑलवेज इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा फिर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। और ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर टू, कि जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट, और वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी नो ऑलरेडी, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा मतलब वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो वो लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट मतलब लिथियम ऑक्सीडाइज होंगे, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होंगी, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में बात करें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, माइनस में सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा, राइट, माइनस में 3 समथिंग होता है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स होगी, माइनस आन आएगा, और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, राइट, प्लस में है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए।